बसमिल रहीम अल्लाम है उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्राम डिस्कोर्स स्टडीज़ वेन डायक इन क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस इसमें ये जो जे है ना ये साइलेंट है सो so, ये किस तरह प्रोनाउंस होगा वेन डाइक अब ये है कौन और क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में इसका क्या कंसेप्ट है तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ सबसे पहले देखते हैं कि डिस्कोर्स क्या है जब आपको डिस्कोर्स की समझ आएगी तो आपको ईज़ली ये जो आगे टॉपिक है इसकी समझ आएगी डिस्कोर्स रेफर्स टू रिटन और स्पोकन आप जो बोलते हैं जो लिखते हैं ये सारा डिस्कोस टिपिकली लॉन्गर देन सेंटेंस लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैंशन है कि ये सेंटेंस से लॉन्गर होता है नीचे एग्जाम्पल्स भी हैं दैट कन्वेज मीनिंग विद इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट से मुराद ये अगर आप मेडिकल फील्ड के तो आप जो मेडिकल की वो कैबलरी है वो यूज़ करेंगे मतलब अपने मेडिकल पार्टनर के साथ बैठेंगे तो ओबियसली मेडिकल की बातें होंगी ठीक है उसमें विकैबलरी भी मेडिकल की यूज़ करेंगे इस तरह तो इसी तरह अपने लॉयर जो लॉ के फ्रेंड होगा या जो लॉयर स्टूडेंट होगा उसके साथ बैठेंगे तो ओबियसली लॉ की विकैबलरी यूज़ होगी इसी तरह बी एस इंग्लिश कर रहे हो तो जब आप आपस में बैठेंगे हमें बहुत से ऐसे लड़के देखे जो आपस में फिर इंग्लिश में बात करते हैं ठीक है तो ये क्या है ये कर, इसको हम कहते हैं कंटेक्सट इट इन्वॉल्व मोर देन जस्ट इंडिविजुअल वर्ड्स अब इसमें ऑब्वियसली आप खुद भी बोलते हैं दूसरे को भी चांस देते तो ये इससे किस चीज़ में आ जाता है मतलब इंडिविजुअलिटी में आ गई इट इनकम्प अ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड ओवरऑल फ्लो ऑफ लैंग्वेज अब जो भी आप बोलते हैं ओब्वियसली उसमें कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो होगा आपको पता होता है कि यार मैंने कहाँ सब्जेक्ट लगाना है और कहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाना है कहाँ पे वर्ब लगाना है ऑर्गेनाइजेशन होती है एक तरतीब होती है और फ्लो ऑफ लैंग्वेज है मतलब आप बोलते जा जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ ना ये क्या है ये डिस्कोर्स है मैं बिल्कुल स्टॉप नहीं कर रहा ठीक है तो ये डिस्कोर्स है जैसे नीचे एक एग्जांपल है कैजुअल कन्वर्सेशन एग्जाम्पल इसे आपके साथ जब दोस्त बैठते हैं वो क्या करते हैं सो डिड यू कैच द गेम लास्ट नाइट ठीक है और इट वाज इनक्रेडिबल द वे दे दोर इन द फाइनल मीन्स वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग तो ये क्या है ये कमेंट्री कर रहा है कमेंट्री किस से रिलेटेड क्रिकेट से रिलेटेड अपने दोस्त को बता रहा है कि कल रात क्या हुआ था क्रिकेट में पोलिटिकल डिस्कोर्स एग्ज़ैम्पल अब ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है पॉलिटिक्स में क्या है इन दिस चैलेंजिंग टाइम्स वी मस्ट कम टुगेदर एज अ नेशन अब ये क्या है ओबियसली ऐसे वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं जैसे एक पॉलिटिशियन यूज़ करता है कि हमें हमारे कॉम को एक साथ होना चाहिए हम ये करेंगे वो करेंगे बाकी कुछ करते नहीं है जस्ट बोलते हैं अवर पॉलिसीज एम टू एड्रेस इकोनॉमिक डिस्पार्टीज एंड इंश्योर अ ब्राइटर फ्यूचर फॉर ऑल सिटीजन कभी भी आपके फ्यूचर ये लोग ब्राइट नहीं कर सकते इंट्रोडक्शन अब ओबियसली ये तो हो गया डिस्कोर्स कि डिस्कोर्स है कि आई होप आपको ईजली समझ आ गया कि डिस्कोर्स है क्या अब वेन डाइक इसका क्या कंसेप्ट है देखो वेन डाइक ये एक प्रोमिनंट स्कॉलर है ठीक है स्कॉलर थे इन डिस्कोर्स एनालिसिस हैज़ रिटन एक्सटेंसिवली ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज यानी लैंग्वेज के बारे में इसने बहुत कुछ लिखा है एंड कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन के बारे में बहुत कुछ लिखा है हेर आर अ फ्यू नोटेबल वर्क्स अलॉन्ग विद ब्रीकिंग्स इसके कुछ वर्क्स हैं तो उससे भी आपको ईजिली पता चल जाएगा कि इसके इस बुक में इस आर्टिकल में इसने क्या क्या लिखा है जैसे डिस्कोर्स एंड पावर टू थाउजेंड एट अब ये क्या है इन दिस बुक ये इस बुक में इसने क्या कहा है वेन डाई एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्कोर्स एंड पावर देखो डिस्कोर्स की तो आपको समझ आ आएगी कि डिस्कोर्स क्या है रिटर्न एंड स्पोकन कम्युनिकेशन ठीक है या जो भी आप लिखते हैं वो आपके डिस्कोर्स में आते हैं अब उन्नी लैंग्वेज के थ्रू चाहे आप बोल रहे हैं या लिख रहे हैं आप अपनी पावर भी शो कर रहे होते हैं ठीक है एम्पिसाइजिंग हाउ लैंग्वेज कैन बी अ टूल फॉर सोशल कंट्रोल आप उन लैंग्वेज के थ्रू ये बता रहे थे कि भाई मैंने आपको कैसे कंट्रोल करना है अपनी आवाम को कैसे कंट्रोल करना है ये जो है आप लैंग्वेज के थ्रू बता रहे हैं एग्जाम्पल एनालाइजिंग पोलिटिकल स्पीचेज टू अनकवर हाउ लीडर्स यूज लैंग्वेज टू मैंटेन अथॉरिटी एंड शेप पब्लिक ओपिनियन जैसे एक एग्जाम्पल है कि जो पोलिटिकल स्पीचेज होते हैं जैसे पिछले स्लाइड में भी हमने डिस्कस किया खैर वो तो डिस्कोर्स रिलेटेड अब क्या होता है जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं वो कुछ ऐसे वर्ड्स पकड़ते कुछ ऐसे यूज़ करते सेंटेंसेस वगैरह वर्ड्स वगैरह प्रेजेज़ वगैरह कैची अच्छी पकड़ते हैं ठीक है जिससे आप पिघल जाते हैं उनके सामने ठीक है आप जब पिघलते हैं ना तो आप कहते हो आपके हर्ट में एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है उनके लिए कि यार ये बंदा सही कह रहा है हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग दैट ऐसा कुछ भी नहीं होता ठीक है तो ये एक अगर देखो आप पॉलिटिकल डिस्कोर, डिस्कोर्स सॉरी डिस्कोर्स स्टडीज़ पढ़ रहे तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि यार लोग क्या कर रहे हैं और आप किस तरह उनके साथ आपने उनको हैंडल करना है दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क है डिस्कोर्स एंड मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन मीन्स या मैनिपुलेशन इसका क्या है किसी को जो है लाइक आप अपने आप रास्ते से या उसको मैनिपुलेट करना आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा ठीक है यानी रुकावटें डालना वेन डाई डेल्ब्स इन टू द वेज डिस्कोर्स कैन बी मैनिपुलेटेड टू इन्फ्लुएंस प्रसप्शन एंड बिलीव आप किसी के बिलीव्स को किसी के प्रसप्शन को इन्फ्लुंस कर सकते हो मैनिपुलेट कर सकते हो एग्जाम्पल एग्जामिनिंग मीडिया नेरेटिव दैट फ्रेम एन इवेंट इन पर्टिकुलर वे टू सर्व स्पेसिफिक एजेंडा और आइडियोलॉजी अब क्या है देखो मीडिया है मीडिया क्या करती है समटाइम्स वो एक ऐसे एजेंडे पर काम करने लगती है एक ऐसी आइडियोलॉजी को प्रोमोट करती है जिसमें उनको भी फायदा है और उन्होंने अपनी आवाम यानी जो मुल्क की आवाम है उनको जो है लाइक हम कह सकते हैं प्रोवो करना उकसाना ठीक है वो करते हैं यानी आपके माइंड में वो चीज़ बिठा दी जाती है कि भाई ये चीज़ ऐसी है क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस 1995. This फाइव दिस फंड दिस फाउंडेशन वर्क इंट्रोड्यूस इज द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिस्टिकल क्रटिकल डिस्कोस एनालिसिस जिसको हम सी भी कहते हैं एंड इट्स एप्लीकेशन इन अंडस्टैंडिंग सोशल बेनमन थ्रू लैंगवेज एग्जामिनिंग अपलाई सी डी ए टू न्यूज़ आर्टिकल्स टू रिवील अंडरलाइंग पावर स्ट्रक्चर्स एंड बायसिस क्रिटिकल डिस्कोस एनालिसिस पर मेरी बहुत सारी वीडियोज़ बनी है आप मेरे चैनल पे जाए वहाँ एक पूरी प्लेलिस्ट बनी है डिस्कोर्स स्टडीज के नाम से जिसमें आपके बी इंग्लिश के जितने भी टॉपिक्स हैं सारे कवर हैं इन आपको एक एक चीज़ की समझ आएगी आप वहाँ से उसको ज़रूर देख लीजिएगा तो क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में क्या है ओबियसली आपने फ़ाइंड आउट करना होता है कि भाई ये जो वर्ड यूज़ किया गया है ये क्यों यूज़ किया गया किस की है किसकी तरफ इशारा रहा है ठीक है ये जो सेंटेंसेस इस तरह लिखे गए मैंने क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस जो है आ, क्या कहते हैं यार ये अमेरिकन जो प्रेजिडेंट था क्या कहते हैं जो जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप इन दोनों की जो है क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस मैंने की है इनके जो स्पीचेज़ हैं जो जब ये लोग नए नए आए थे ना तो इनकी जो स्पीच थी उनकी मैंने क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस की वो आप लोग ज़रूर देख लीजिए बाकी आपके माइंड में भी एक कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी कैसे हम क्रिटिकल डिस्कोर्स उसकी भी मैंने की है क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस सो तो उस पर भी वीडियो बनी है आप लोगों ने एक क्रीम का नाम सुना होगा गोल्डन फिल आई थिंक इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश ये ज़्यादातर ममालिक में यूज़ किया जाता है ठीक है तो उसकी भी मैंने क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस की उसको भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा रेसिज्म एंड द प्रेस 1991. नाइनटी वन विन डाई इन्वेस्टिगेट्स हाउ रेसिम इज परपीटेड थ्रू मीडिया डिसकोर्स सेंडिंग लाइट ऑन द रोल ऑफ लैंग्वेज इन शेपिंग डिस्क्रमिनेटरी आइडियलॉजीज़ बहुत ही ईजी आपको ईजिली इस वर्ड से पता चल गया होगा कि रेसिज्म को भी कैसे प्रमोट किया जाए जैसे इसकी बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको यह कहता हूँ जब ये क्या कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप आए थे डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए थे जिससे साफ साफ लग रहा था कि भाई वो किस चीज़ को प्रोमोट कर रहा है यानी रेसिजम को प्रोमोट कर रहा है? लेकिन इसकी बनस्बत अगर जो बाइडन को देखें तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं था तो ये जो है रेसिज्म में आ जाता है मतलब लैंग्वेज के थ्रू आप जो है रेसिस्ट बन जाते हो आप ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हो जिससे आपको बलक, जो आवाम है उसको पता चल जाता है कि यार ये बंदा जो है रेसिस्ट है क्या करना चाह रहा है ब्लैक या वाइट या इस तरह जो डिफरेंट कलर्स के लोग हैं उनमें फ़र्क कर रहा है एलिट डिस्कोर्स एंड रेसिज्म दिस वर्क फोकसिस ऑन

मेंबर्स uh, होते हैं या जो दूसरे uh, जिसको हम लेजिस्लेशन कहते हैं ये ये सारे यही काम करते हैं ठीक है ठीके? तो क्यों क्यों बनाते हैं ताकि आपके जो ग्रुप्स हैं चाहे वो रेशियल हो या एथनिक ग्रुप्स हो उनको कंट्रोल कर सके ठीक है अब उसमें ओबियसली आपके लिए फ़ायदे भी होते हैं और आपको जो है ये चीज़ भी नहीं बताई जाती कि आपको किस तरह कंट्रोल कर लैंग्वेज है ना लैंग्वेज के थ्रू आप ये सब कुछ हो रहा होता है Ideology, a multidisciplinary approach, 1998. windtag explores the concept of ideology across disciplines, emphasizing its role in shaping and sustaining social structure. Example, examining political discourse to identify language patterns that reinforce dominant ideologies. This is made my video, I think two days ago or one that ideology concept in discourse studies. So, you watch video, easily know what is concept ideology. And the ideology, simple is आपके सेट ऑफ बिलीव्स आइडियाज़ ये सारे जो है आपकी आइडियोलॉजी में आपकी डिफरेंट आइडिया है तो ये एक आइडियोलॉजी है ठीक है जैसे आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान आपने पढ़ा है ठीक है इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट विन डाइक्स वर्क ओपन इन्वॉल्व इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ स्पेसिफिक डिस्कोर्सेस इसका जो भी वर्क है उसमें हम जब भी ये इसकी जो चीज़ें लगाते हैं वो हम क्या करते हैं मतलब इन डेप्थ जो है किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज़ करते हैं

सो दिस वॉज ऑल अबाउट टू नेक्स्ट वीडियो पर लिटरी फॉर्म्स एंड टर्म्स इन इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड होगी आई होप आपके लिए वीडियो पसंद है पसंद आई होगी और पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ टेक केयर ऑफ यूर